हेलो, तो मैं आ चुका हूँ। आपको एक क्विक अनाउंसमेंट देनी थी कि जो PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल 2021 है ईस्टर्न और वेस्टर्न डिवीजन का, तो जो ईस्टर्न डिवीजन से जो 16 टीम्स खेल रही हैं 16 डिफरेंट कंट्री से, तो उन सारी 16 टीम्स के हमें अनाउंसमेंट हो चुका है कि जो जो टीम 16 खेल रही हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ई स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट और PUBG रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि 16 टीम्स खेलेंगी ईस्टर्न रीजन में, टोटल 4 डेज़ होंगे। तो जो 16 टीम्स आ रही हैं, तो जो पहली टीम है वो हमें अल्जीरिया से मिल रही है, टीम मिट्स। तो ये एक अल्जीरिया कंट्री की एक टीम है, टीम मिट्स, तो काफ़ी अच्छा खेलती होगी। उसके बाद बांग्लादेश रीजन से A1 e-sports खेल रही है। तो मैंने आपको जैसे आपको आज ही पहले वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश रीजन से A1 e-sports आ सकती है, तो देखें A1 e-sports खेल रही है, क्योंकि ये पॉपुलैरिटी रिलेटेड इवेंट है, ना कि इवेंट बेस्ड। तो इंडोनेशिया से फिर हमारी BTR आ रही है, बिगेट्रॉन रेड एलियंस, तो काफ़ी अच्छी टीम है, तो ये इसके जीत सकती है ये टूर्नामेंट। उसके बाद हमारे पास जापान से आ रही है रिजेक्ट स्कारलेट, तो काफ़ी अच्छी जापानीज टीम है ये। उसके बाद जॉर्डन से NASR आ रही है, तो ये आपको पता है कि ये जो PMPL अरेबिया हुआ था, तो उसमें काफ़ी अच्छा ये टीम खेली थी, तो इस टीम को आप बिल्कुल अंडरडॉग ना समझें, ये काफ़ी अच्छा खेल सकती है। NASR जॉर्डन से ये टीम है। उसके बाद मलेशिया से गीक फैम टीम आ रही है। उसके बाद मंगोलिया से हमारी ज्यूस ई स्पोर्ट्स आ रही है, तो मैंने आपको इसको बता दिया था, इसकी कंफर्मेशन थी कि ज्यूस खेलेगी। उसके बाद हमारे पास नेपाल से DRS गेमिंग आ रही है, इसका मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद देखें पाकिस्तान से स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स आ रही है, मैंने आपको इसका बताया था कि स्टालवर्ट आ गया। अब ये नहीं पता कि स्टालवर्ट टीम I8 को अपना स्लॉट देती है या फिर फ्री स्टाइल को, तो वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद फिलीपाइन से ब्लैक लिस्ट इंटरनेशनल आ रही है, तो इस टीम का मुझे इतना पता नहीं है कि इस टीम का अच्छी टीम है या नहीं, तो ये फिलीपाइंस कंट्री से ये टीम आ रही है। उसके बाद रशिया से नावी आ रही है, नेटस विनसेर, तो ये काफ़ी अच्छी टीम है, तो ये PMG से भी खेल चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा टफ टाइम देगी बाकी टीम्स को। उसके बाद सऊदी अरेबिया से यल्ला ई स्पोर्ट्स आ रही है, तो ये भी PMPL अरेबिया में खेली थी ये टीम, और काफ़ी अच्छी टीम है और कंटेंडर्स में से ये PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल जीतने के। उसके बाद साउथ कोरिया से हमारे पास DS गेमिंग आ रही है, तो ये कोरियन टीम है और काफ़ी अच्छा खेलती है। उसके बाद हमारे पास थाईलैंड से वर्ल्डस द मर्डर आ रही है, तो जैसे कि आपको बताया था कि वर्ल्डस द मर्डर इनवाइट हो चुकी है, तो ये आ रही है। उसके बाद UAE से फनेटिक ज़ोंबीज़ आ रही है, तो काफ़ी अच्छी टीम है ये भी। उसके बाद वियतनाम से डी एग्जेवियर आ रही है टीम, तो ये वियतनाम कंट्री से है। तो इस तरह ये 16 टीम्स हैं, जापान से इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इस तरह ये सारी कंट्री से टीम आ चुकी हैं 16 टीम्स। तो होप फॉर द बेस्ट कि जो अच्छी टीम है वो जीते। तो अभी मैं आपको जल्दी जो वेस्टर्न डिवीजन है उसका भी बता दूंगा। तो ये हमारे पास ईस्टर्न डिवीजन की टीम्स हैं, तो सैडली कोई इंडियन टीम नहीं आ पाई, क्योंकि PM ने वो BGMI का मसला था, तो इसलिए कोई इंडियन टीम नहीं आई, तो यही 16 टीम्स आई हैं। तो खुशी है कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, हर रीजन से एक एक कंट्री को मिला है, और 16 डिफरेंट कंट्री हैं, तो काफ़ी फैन बेस आएगी। तो होप फॉर द बेस्ट, अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।